बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेक्चरर, सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट, एजुकेटर, मैथमेटिक्स ऑनलाइन प्रिपरेशन क्लासेस, OLH मैथमेटिक्स। आई एम प्रोफेसर मोहम्मद ताहिर। हम करने लगे हैं कैलकुलस को। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है लिमिट एंड कंटिन्यूटी। खास तौर पे पहले हम बात कर लेते हैं लिमिट्स के बारे में। इस लेक्चर का मकसद हमारा ये होगा कि हम लिमिट के जितने भी रूल्स हैं, फार्मूलाज हैं, जो FSC, BSC और MSC लेवल्स पे हम करते आ रहे हैं, उन्हें हम पहले रिवाइज कर लेते हैं, उन्हें हम लिख लेते हैं और उनकी मदद से नेक्स्ट स्टेज पे हम लिमिट के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, ताकि हम आप जानते हैं कि हमारे लिए ये क्वेश्चन आता है MCQs में कि आप लिमिट सॉल्व करें। ठीक है, लिमिट सॉल्व करना एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गैट सब्जेक्ट के अंदर और किसी भी कैलकुलस के एग्जाम के अंदर और लेक्चरशिप के एग्जाम के अंदर। इसके अलावा FPSC के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट है कैलकुलस का पोर्शन और डिफरेंट एग्जाम्स के अंदर ये इंपॉर्टेंट। ठीक है, सो दैट्स द इम्पोर्टेंस पेपर पॉइंट ऑफ व्यू। कैलकुलस के अंदर लिमिट्स की इंपॉर्टेंस क्या है? कैलकुलस के अंदर लिमिट बहुत फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है बिकॉज ऑफ थ्री मेन रीजंस। नंबर वन, आप जानते हैं कि विद द हेल्प ऑफ द लिमिट्स वी डिफाइन द कॉन्सेप्ट ऑफ कंटिन्यूटी, दैट लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए एफ ऑफ एक्स। If this is equal to the value of f at a, we say that the function is continuous at a. ठीक है, if the limiting value at a agrees with the actual value at a, then the function is continuous. Number two, we define the concept of differentiation with the help of limit. We say that the limit f of x minus f of a divided by x minus a, x approaches to a. If limit of this quotient exists, we say that the function is differentiable at point a and its derivative is the value of this limit. इसी तरह हम पार्शियल डेरिवेटिव भी डिफाइन कर सकते हैं, हम डायरेक्शनल डेरिवेटिव्स को भी लिमिट के हेल्प से डिफाइन करते हैं और हम इंटीग्रेशन को भी लिमिट की फॉर्म में लिखते हैं। वी से दैट द लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी ऑफ द रिमांड सम के फ्रॉम वन टू एन एफ ऑफ एक्स के डेल्टा एक्स के। वी विल डिस्कस इन डिटेल व्हाट इज दिस, बट दिस इज इक्वल टू ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स रिमान इंटीग्रल। ठीक है, सो कंटिन्यूटी को, डेरिवेटिव को, इंटीग्रेशन को, तीनों को हम तीनों एक खास किस्म की, तीनों में लिमिट्स इन्वॉल्व। ठीक है, दैट्स व्हाई वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट लिमिट्स। ठीक है, अब हम अपने मेन टॉपिक की तरफ आते हैं कि हम एक सीक्वेंस बनाते हैं लिमिट्स रूल और लिमिट के फार्मूलाज का, उसे हम याद रखते हैं और वो हेल्पफुल होगा हमारे लिए लिमिट्स के तमाम एक्सरसाइजेस को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, अच्छा शुरू करते हैं इसको। ओके, नंबर वन, हम अपना आप देखिएगा कि हम अपना रास्ता हमवार करते हैं पॉलिनोमियल्स की लिमिट्स का। पॉलिनोमियल्स क्या होती हैं? पॉलिनोमियल कम्बिनेशन है स्केलर्स का और वेरिएबल के एक्सपोनेंट्स का। ठीक है, अब देखें हम कैसे रास्ता बनाते हैं पॉलिनोमियल्स की लिमिट्स का, फिर हम आगे बाकी फंक्शंस की तरफ चले जाएंगे। ओके, नंबर वन इज लिमिट ऑफ ए कॉन्स्टेंट। ए कॉन्स्टेंट की लिमिट क्या होती है? सपोज एक्स अप्रोचेस टू ए, ए इज एनी नंबर, एनी रियल नंबर। व्हाट इज लिमिट ऑफ ए कांस्टेंट? अब कांस्टेंट फंक्शन क्या है? कांस्टेंट फंक्शन एक ऐसा फंक्शन है जिसकी वैल्यू चेंज नहीं होती, आपका एक्स जो मर्जी हो जाए, बिकॉज दिस इज इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स। ये एक्स पे इनसार ही नहीं करता, इसको एक्स की कोई परवाह नहीं है, एक्स जहां मर्जी चला जाए ये सी का सी रहना है, चाहे इसकी वैल्यू निकालें चाहे इसकी लिमिट निकालें। ठीक है, सो इट्स आंसर इज सी। ठीक है, इस बात पे गौर करते रहें कि चाहे इसकी वैल्यू निकालें ए पे चाहे लिमिट निकालें, इट इज सेम। तो ये जो सेंस बनती है ये कंटिन्यूटी की सेंस है। ठीक है, हमारा नेक्स्ट टॉपिक भी कंटिन्यूटी है, थोड़ा सा जहन में रखते जाएं। अच्छा, ये हो गया कॉन्स्टेंट फंक्शन, कॉन्स्टेंट की लिमिट कॉन्स्टेंट। नंबर टू, लिमिट ऑफ एक्स आइडेंटिटी फंक्शन एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स। ठीक है, एक्स अप्रोचेस टू ए। ठीक है, यानी इस वक्त आपके जेहन में फंक्शन क्या है? एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स आइडेंटिटी फंक्शन, इसकी डोमेन है रेंज सेम है, जो पॉइंट पुट करेंगे वही आउटपुट आएगी आपके पास।
लिमिट ऑफ एक्स, एक्स क्या होगा जब एक्स ए को अप्रोच करेगा? अब बहुत थिंग्स आर सेम, एक्स अप्रोचेस टू ए, अगर एक्स ए को अप्रोच कर रहा है तो साफ जाहिर है एक्स ने ए होना है, तो लिमिट ऑफ एक्स इज ए व्हेन एक्स अप्रोचेस टू ए, दिस इज वेरी वेरी ऑब्वियस, ठीक है, कोई यहाँ भूलने वाली बात नहीं है, वो आसानी से हम इसे याद रख सकते हैं। अच्छा व्हाट अबाउट हायर पावर्स ऑफ एक्स, एक्स की हायर पावर्स का क्या बनेगा? मिसाल के तौर पे व्हाट विल बी द लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए ऑफ एक्स पावर एन, ठीक है, इसके लिए हम, इस पे जाने के लिए हम एक रूल रिवाइज कर लेते हैं, उसको हम यहाँ पे डाल देते हैं, चले नंबर थ्री, हम उस रूल को ही कह देते हैं। हमारे पास लिमिट का एक रूल है, आप याद रखना है, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए एफ ऑफ एक्स मल्टीप्लाई बाय जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू दी लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए एफ ऑफ एक्स इन टू दी लिमिट एफ ऑफ एक्स अप्रोचेस टू ए जी ऑफ एक्स, ठीक है, तो अगर दो फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहे होते हैं तो उनकी लिमिट सेपरेट हो जाती है, ठीक है, ये हमें जानते हैं इस रूल को। अगर हम इसको रिपीटेडली यूज करें, ठीक है, रिपीटेडली रिपीटेडली यूज करते हैं तो हमें ये रिजल्ट मिलता है, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए एफ ऑफ एक्स रेज टू पावर एन, फर्ज करें ये एक्स एफ ऑफ एक्स रेज टू पावर एन, इसका मतलब है कि दिस इज इक्वल टू दी लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए एफ ऑफ एक्स इन टू एफ ऑफ एक्स इन टू एफ ऑफ एक्स एन टाइम्स, ठीक है, जब आप इस पे ये लिमिट का रूल अप्लाई करेंगे तो इसकी लिमिट सेपरेट हो जाएगी, कितनी बार होगी, एन टाइम्स होगी, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए एफ ऑफ एक्स लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए एफ ऑफ एक्स लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए एफ ऑफ एक्स, दिस इज एन टाइम्स, एन टाइम्स मीन वी कैन राइट लिमिट एफ ऑफ एक्स एक्स अप्रोचेस टू ए रेज टू पावर एन, इसका मतलब है कि लिमिट और एक्सपोनेंट आर इंटरचेंजेबल, ठीक है, ये इंटरचेंजेबल, इसे यूज करते हैं। अब हम इसे यूज करते हुए हम, क्योंकि आप जानते हैं हम कहाँ जा रहे हैं, हम जा रहे हैं पॉलीनोमियल्स की तरफ, इसे यूज करते हुए हम एक्स पावर एन की लिमिट की बात कर सकते हैं, ठीक है, अब क्योंकि एक्स की, अब क्योंकि लिमिट और एक्सपोनेंट इंटरचेंज हो सकते हैं, लिहाजा हम इसको लिख देंगे लिमिट एक्स एक्स अप्रोचेस टू ए रेज टू पावर एन, ठीक है, दिस इज इक्वल टू व्हाट इज लिमिट ऑफ एक्स व्हेन एक्स अप्रोचेस टू ए, दिस इज सिंपली ए बाय रूट टू, सो दिस इज इक्वल टू ए रेज टू पावर एन, अगेन वी हैव सीन के एक्स इज सिंपली रिप्लेस बाय ए, जैसे आप एक्स को वैल्यू पुट कर देते हैं ए, ऐसे ही हुआ लिमिट के रिस्पॉन्स, सो दिस इज अगेन रिकॉल दैट दिस इज कंटिन्यूटी, देन एक्चुअल वैल्यू लिमिटिंग वैल्यू आर सेम, ठीक है, अच्छा दिस इज रिजल्ट नंबर फाइव। अब इसका मतलब है कि एक्स की जितनी भी पावर लें, एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब एक्स थ्री एक्स फोर, सारी की सारी में लिमिट्स का सिर्फ सादा तरीका है कि आपने क्या करना है, वैल्यू पुट कर देनी है, ठीक है, अच्छा नेक्स्ट नेक्स्ट आपको क्या चाहिए, पॉलिनोमियल क्या होता है, ये कम्बिनेशन है स्केलर का और एक्स के एक्सपोनेंट्स का, ठीक है, अब पॉलिनोमियल पे अभी भी नहीं जा सकते, क्यों, क्योंकि पॉलिनोमियल के अंदर सम भी इन्वॉल्व होता है, अब जबकि सम इन्वॉल्व होगा तो वहां पे हम क्या करेंगे, तो वहां पे हम एक लिमिट रूल हमारे पास है, वो ये है लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए एफ ऑफ एक्स प्लस माइनस जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू दी लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए एफ ऑफ एक्स प्लस माइनस लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए जी ऑफ एक्स, ठीक है, ये हमें हेल्प करेगा वहां पे पॉलीनोमियल के अंदर जो टर्म्स है उनको सेपरेट करने, ठीक है, अच्छा नेक्स्ट, वहां पे एक प्रॉब्लम और भी है और वो है लीनियर कम्बिनेशन, यानी कि हमारे पास सम टाइम्स कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो रहा होगा किसी भी एक्स की पावर के साथ, ठीक है, फॉर एग्जांपल दिस वन, फिर क्या करेंगे, वहां हमारे पास फिर एक रूल है लिमिट का, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए एल्फा एफ ऑफ एक्स इज सेम एज एल्फा टाइम्स लिमिट एफ ऑफ एक्स, यानी स्केलर और लिमिट, यानी कांस्टेंट और लिमिट भी आपस में इंटरचेंजेबल है, ठीक है, तो हम वहां पे हम ये यूज कर लेंगे, ठीक है, नाउ वी आर एबल इनफ टू कैलकुलेट द लिमिट ऑफ ए पॉलीनोमियल, ओके दिस इज नंबर 8।
जितना भी काम किया हमने, अब उसका फल मिलने लगा। लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए ऑफ पॉलिनोमियल पी ऑफ एक्स ऑफ डिग्री एन। व्हाट इज पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री एन? एक्स अप्रोचेस टू ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री एन इज ए एन एक्स एन प्लस ए एन माइनस वन एक्स एन माइनस वन प्लस अप टू सो ऑन ए वन एक्स प्लस ए नॉट। दिस इज कॉम्बिनेशन ऑफ स्केलर्स कॉन्स्टेंट्स ए आईज एंड द एक्सपोनेंट्स ऑफ एक्स। ओके, अब आप अपने रूल याद करें। फर्स्ट रूल क्या था? एक रूल तो ये है कि अगर टर्म्स या फंक्शन प्लस हो रहे हो तो आप उनकी लिमिट्स को सेपरेट कर सकते हैं। एक्स अप्रोचेस टू ए एन एक्स एन लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए एन माइनस वन एक्स एन माइनस वन एंड अप टू सो। आप इजीली समझ गए होंगे। इन द एंड वी हैव लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए ए डॉट। ठीक है, नाउ अप्लाई द लिमिट, अप्लाई द सेकेंड रूल। सेकेंड रूल क्या कहता है कि जो लीनियर ये जो कॉन्स्टेंट्स हैं इन्हें दीज कैन बी टेकन आउट ऑफ द लिमिट। आप इन्हें आउटसाइड लिख देंगे और एक्स पावर एन, जब आप एक्स को ए एक्स अप्रोचेस टू ए होगा एक्स किसी भी एक्स की पावर में क्या करते हैं, एक्स को सिंपली ए से रिप्लेस कर देते हैं। ए पावर एन ए एन माइनस वन ए पावर एन माइनस वन एन अप टू सो। ठीक, ए वन ए ए नॉट। कांस्टेंट की लिमिट कांस्टेंट, एक्स की लिमिट ए, एक्स स्क्वायर की ए स्क्वायर, एक्स एन माइनस वन की एन माइनस वन, एक्स एन की ए एन एन अप टू सो। ठीक है, तो दिस इज इक्वल टू द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल एट ए। सो द लिमिट ऑफ पॉलिनोमियल एक्स अप्रोचेस टू ए सेम एज द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल एट ए, नो डिफरेंस। ठीक है, तो ये इसका मतलब है कि किसी भी पॉलिनोमियल की अगर आपने लिमिट फाइंड करनी है तो लिमिट इज नथिंग ड्यू। ठीक है, लिमिट इज नथिंग ड्यू, सिंपली यू पुट द वैल्यू एक्स इक्वल टू ए, नो डिफरेंस। अभी तक आपने जितनी बातें की है मेरे साथ लिमिट के बारे में, हमने कुछ नया नहीं देखा। लिमिट का बिहेवियर ऐसे ही है जैसे हम फंक्शन की वैल्यू फाइंड किया करते थे। हम फंक्शन की जब वैल्यू फाइंड किया करते थे किसी पॉइंट ए पे, हम क्या करते थे, हम एक्स को ए पुट कर देते थे। अब जबकि हम लिमिट्स फाइंड कर रहे हैं तो अभी भी हम वही कर रहे हैं कि सिर्फ हम एक्स को ए से रिप्लेस कर रहे हैं। देखते हैं कि ये कहानी कब तक चलती है, ये जो दोस्ती है लिमिट्स की और फंक्शन की वैल्यू की, ये फ्रेंडशिप कहाँ तक चलती है, इनकी राहें कब जाके जुदा। ठीक है, चलें आगे चलते हैं। अच्छा, नेक्स्ट नेक्स्ट नंबर 9। अब हमारे पास आ गई पॉलिनोमियल्स और उनके लिमिट्स। अब पॉलिनोमियल्स बनाती हैं रैशनल फंक्शंस। जब व्हाट इज रैशनल फंक्शन? इट इज क्वोशेंट ऑफ टू पॉलिनोमियल्स वेयर डिनोमिनेटर डजंट हैव वैल्यू 0 एट एनी पॉइंट एक्स। सो व्हाट इज ए रैशनल फंक्शन? रैशनल फंक्शन रेशियो है दो पॉलिनोमियल्स की। तो इसका मतलब है कि हमें देखना पड़ेगा कि जब दो फंक्शन डिवाइड होते हैं तो उनकी लिमिट्स कैसे कैलकुलेट करते हैं। हमारे पास एक रूल है, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए पी ऑफ एक्स इन जनरल एफ ऑफ एक्स लिखते हैं, फंक्शन ऑफ एक्स जी इज ऑल्सो फंक्शन ऑफ एक्स, देन दिस इज इक्वल टू दी लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय द लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए जी ऑफ एक्स। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि हम लिमिट्स को सेपरेट कर सकते हैं। बट इट विल गिव अस द आंसर इफ डिनोमिनेटर इज नॉन जीरो। अगर डिनोमिनेटर नॉन जीरो होगा तो इट कैन गिव अस आंसर। ठीक है, बट देर इज अनदर कंडीशन। क्यों? क्योंकि ये एक आर्बिट्रेरी फंक्शन है, ये पॉलिनोमियल नहीं है। एफ ऑफ एक्स इज एनी फंक्शन, जी ऑफ एक्स इज एनी फंक्शन। ठीक है, दिस इज नॉट सिंपल। अब जैसे हम कहते आ रहे हैं कि हम सिंपली एक्स को ए कर देंगे, यहाँ पे सूरत हाल मुख्तलिफ हो सकती है क्योंकि अभी हमें आर्बिट्रेरी फंक्शन के बारे में नहीं पढ़ा। बट इन पर्टिकुलर अगर अगर ये एफ ऑफ एक्स जी ऑफ एक्स दो पॉलिनोमियल्स हों, यानी कि पी ऑफ एक्स ओवर क्यू ऑफ एक्स, अगर ये दो पॉलिनोमियल्स, तो ये बन जाता है हमारा रैशनल फंक्शन। और इसकी लिमिट्स क्या होंगी? लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए। अब क्या करेंगे हम, रूल हमारा कहता है कि हम सेपरेट इनकी लिमिट्स फाइंड कर लेंगे
और जब हम पॉलिनोमियल्स की लिमिट्स फाइंड करते हैं सेपरेटली, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए, तो क्या होता है? आप पुट कर देते हैं इसमें ए को पी ऑफ ए ओवर क्यू ऑफ ए। यहाँ पे खतरा सिर्फ एक है, एक रिस्ट्रिक्शन लगानी पड़ेगी आपको, और वो ये लगानी पड़ेगी कि वेयर क्यू ऑफ ए इज नॉट जीरो, क्यू ऑफ ए जीरो ना हो। जब तक क्यू ऑफ ए जीरो नहीं होगा, तो इसका मतलब ये है कि किसी रैशनल फंक्शन की लिमिट भी सिंपली क्या है कि एक्स को आप ए कर दें, बस नथिंग। ठीक है, तो रैशनल फंक्शन तक भी कोई चीज नहीं दी है, बशर्ते कि डिवाइडेड बाय क्यू ए वो नॉन जीरो हो, तो फिर हमें कुछ नया, कुछ एफर्ट नहीं करनी पड़ रही। अभी तक दोस्ती चलती आ रही है, किसकी दोस्ती चलती आ रही है? फंक्शन की एक्चुअल वैल्यू की और फंक्शन की जो लिमिटिंग वैल्यू है उसकी। ठीक है, बोथ आर सेम। आप कह सकते हैं अभी तक जितनी डिस्कशन हुई है, ये सारे के सारे फंक्शंस जो हैं ये कंटिन्यूस फंक्शंस थे, क्योंकि इनके अंदर लिमिटिंग वैल्यू और एक्चुअल वैल्यू में कोई फर्क ही नहीं है। ठीक है, अच्छा आगे चलते हैं, एक और चले यहाँ पे रूल डिस्कस करी जाते हैं, क्योंकि हमने एक्सपोनेंट्स की बात जब की है तो हमने जस्ट बात की है पॉजिटिव इंटीजर एक्सपोनेंट्स की। व्हाट अबाउट द nth रूट ऑफ एक्स, दैट इज एक्स रेज टू पावर वन ओवर एन? जब आप इसकी लिमिट कैलकुलेट करते हैं तो क्या होगा? लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए, जिसको आप नंबर 10 कह रहे हैं, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू एक्स रेज टू पावर वन ओवर एन, और इन जनरल यू कैन से दैट लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए एफ ऑफ एक्स रेज टू पावर वन बाई एन। ठीक है, इसकी लिमिट्स क्या होगी? दिस इज nth रूट, सो दिस इज अगेन लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए एफ ऑफ एक्स रेज टू पावर वन बाय एन, बशर्ते के कंडीशन क्या है? कंडीशन ये है, आप जानते हैं प्रॉब्लम होता है हमारे पास nth रूट्स में, और कब आता है? व्हेन एन इज इवन, अगर एन इवन है, व्हेन एन इज इवन, साल के तौर पे एन इज टू, तो ये बन जाता है स्केयर रूट, और जब स्केयर रूट बनता है तो स्केयर रूट ऑफ ए, वी कैन डिफाइन स्केयर रूट ऑफ ए नॉन नेगेटिव नंबर ओनली, क्योंकि अगर नेगेटिव नंबर होता है तो उसका स्केयर रूट कॉम्प्लेक्स नंबर बन जाता है, एंड इन कैलकुलस वी रिस्ट्रिक्ट अस विद रियल नंबर्स। तो कंडीशन लगानी पड़ेगी फिर हमें, आप जानते हैं क्या लगानी पड़ेगी, कि जो ये फंक्शन है ये नॉन नेगेटिव हो। तो यहाँ पे क्या कंडीशन लगानी पड़ेगी कि जब एन इवन है तो ये जो लिमिट है ये नॉन नेगेटिव हो, तो फिर ये लिमिट और जो एनथ रूट है ये आपस में इंटरचेंजेबल है। ठीक है, सो दिस इज नंबर 10। ये दरमियान में हमारे पास एक वैसे बात आ गई, ये भी हमने कर ली। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं, कुछ कुछ क्वेश्चंस से वास्ता पड़ता है तो हम वहां से कुछ चीजें लर्न करते हैं, उन्हें अब हम लिख लेते हैं यहाँ पे।